हेलो एवरीवन, हम लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं कि ये 1 1 इंच का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपको जीरो से, सॉरी 1 इंच नहीं है, 1 सेंटीमीटर है, जीरो से आपको 1 मार्क करना है, ओके। तो ये आपके 3 साइड बनेंगे, ये और ये और ये, ये आपका क्या है, 3 साइड 1 1 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 18 सेंटीमीटर लेना है, 18। आपको जो इस ये लाइन है इस पे आपको 18 रखना है, 18 से आपको 0 रखना है, या मार्क करके तब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा भी जा सकता है, तो हमें अंदर का जो लेना है वो 18 लेना है, ओके। तो ये लाइन हमारी तभी ड्रॉ होगी जब हम इसका अंदर का पार्ट को 18 ले लेंगे। तो 1 और 1 1 के आपका ये बॉर्डर बन गया, बॉर्डर तैयार हो गया है 1 1 सेंटीमीटर का। अंदर का जो आपका इस ये जाएगा, ये आपका 18 सेंटीमीटर जाएगा। फिर यहाँ से आप नीचे लेंगे 20 20, से आपका ये इस पे लाइन पे आप रखेंगे 20, ठीक है, लाइन पर। उसके बाद आप 0 मार्क करेंगे और आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा 20 हो गया, इधर से हमारा 18 हो गया। फिर हमें क्या करना है, 3 3 इंच के हमारे स्लिपिंग लाइन में 3 3 3 3 3 3 इंच लेना है, और स्टैंडिंग लाइन में आपको 4 4 लेना है, ठीक है। तो ये 3 3 हमारा 18 तक जाएगा और 4 4 हमारा 20 तक जाएगा। तो ये हमारे बॉक्सेस तैयार हो गए, यानी ये हमारा 3 इंच है और ये हमारा 4 इंच है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये बॉक्स हमारे तैयार हो गए हैं। उसके बाद हमें इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी है इसमें, ये ऑलरेडी इसमें इमेजनरी लाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल में भी लाइन दी है ये साइड में, आप ये एक लाइन रखेंगे स्केच वाली लाइन पे, यानी फाइनल लाइन पे, और इससे आप जो है ना चारों तरफ इसकी इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस तरीके से आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आपका बॉक्स तैयार हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल लाइन है इसमें से हम 4 इंच है, हमारे 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 2 सेंटीमीटर, इधर भी हम 2 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 का हाफ हो गया 1.5, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो इमेजनरी लाइन है इसी पे आपको पॉइंट लगाना और इसी से ड्रॉ करना है। तो ये हमारी हो गई स्टैंडिंग लाइन, ओके। नेक्स्ट जो कि हमारा 4 था, 4 का हाफ हो गया आपका 2, मार्क करना है आपको यहाँ पर, और ये आपको ये स्टैंडिंग, ये स्लिपिंग लाइन हो गई, ठीक है। ये सेंटर निकालना है इसमें हमें, तो यहाँ से हमने 1.5 लिया और ये हमारा 4 है तो 2 ले लिया। फिर स्लैंटिंग लाइन में आपको क्या करना है, दोनों साइड की स्लैंटिंग लाइन बनेंगी, तो कॉर्नर टू कॉर्नर, यानी इमेजनरी लाइन का कॉर्नर, ये इसमें इमेजनरी लाइन ये ड्रॉ है नहीं है, यहाँ से, ठीक है, पॉइंट इमेजनरी लाइन का कॉर्नर टू कॉर्नर आपको ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, ठीक है। सेम अपोजिट साइड भी आपका चला जाएगा, ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया। सेम हमें इसमें कर्व बनाना है, कर्व में भी हमें इसका हाफ लेना है, यानी ये 2 आ गया हमारा, मास्टर सर्कल रखेंगे और पॉइंट टू पॉइंट रख के इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, अभी हम मास्टर सर्कल के साथ भी बताते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लूप लेने हैं। लूप आप क्या करेंगे, ये जो इमेजनरी लाइन का कॉर्नर है इससे आप ऊपर इमेजनरी लाइन पर लेके जाएंगे, ये आपके हैंड के मूवमेंट के ऊपर है कि आप इसको कहाँ टच करते हैं। इसके बाद आप एक ड्रॉ करने के बाद एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सारे लूप तैयार करेंगे, ओके। पर लूप में आपको क्या करना है, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, लूप में आपको ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ आपको स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लूप हो गया, फिर हमारा आता है जिगजैग। जिगजैग का सेम पैटर्न है, इमेजनरी लाइन से लेंगे और सेंटर लेके इसका, यानी कि 4 है, 4 का हाफ हो गया 2, इसको इस तरीके से
ये वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन तक इसको टच करेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपकी ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यानी लूप में आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी है और इसमें ज़िगज़ैग में आपको स्लिपिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये मैं आपको बता देती हूँ, इस वाली फाइल में ये इस तरीके से हैं और जो इमेजनरी लाइन है वो सारी आपको रब कर देनी है बनाने के बाद, स्केच करने के बाद ये इस तरीके से आपको सेंटर में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सारी इमेजनरी लाइन हमारी रब हो गई हैं, हमने इरेज कर दी हैं, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटर में निकल कर आ गया है। ये मास्टर सर्कल है, मास्टर सर्कल से आपका ये हाफ सर्कल, अप एंड डाउन सर्कल, कर्व, अब हमारी ये आ गई हैं लूप। ये देखिए लूप में आप ये देख रहे हैं सिर्फ ये वाली लाइन ड्रॉ है, हमारी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं है। और आपको लूप इस तरीके से बनाने हैं, पहला आपको पूरा बनाना है, फिर उसके बाद डॉट डॉट बनाना है। आपके दोनों तरफ के लूप बनेंगे। अब ये है आपका ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग में आपकी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं है, आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपकी ये इमेजनरी लाइन थी और ये आप कॉर्नर टू कॉर्नर मिला सकते हैं। ठीक है, इमेजनरी लाइन आपकी सिर्फ ये दो जा रही हैं ऊपर और नीचे की, ये वाली लाइन आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी स्केच वाली लाइन से ही हो जाए। इसी तरीके से ये स्लैंटिंग लाइन में ज़िगज़ैग है, आपके पास ये पिक आ गई है, उसके बाद हम वर्कशीट कराएंगे। अभी आपको इतना ही करना है, मैं आपको एक बार मास्टर सर्कल का और बता देती हूँ। ये मेरे पास मास्टर सर्कल है, मास्टर सर्कल में ये इस तरीके से आपको पॉइंट दिए हैं चार। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मेरा ये यहाँ पर आया टू, यहाँ टू आ गया। ठीक है, मेरी जो इमेजनरी लाइन है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो मार्क किया हुआ है ये दोनों, ये मैं दोनों इस पॉइंट पे रखती हूँ। ये मेरे मार्क करे हुए हैं और ये मेरे ये मार्क करे हुए हैं मास्टर सर्कल में। फिर आप इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर देंगे, पेंसिल से ड्रॉ करना, डायरेक्ट स्केच मत अप्लाई करना। ये आपका निकल कर आ गया है सेंटर में। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको सेंटर लेना है, कोई भी नंबर एक ले लेना, 10 नंबर है, 11 नंबर है, वो आप ध्यान रखना, उसी के नंबर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये पूरा सर्कल बन गया है, ये सेंटर में आपका सर्कल तैयार हो गया है। तो आपको चारों साइड आपको बनानी है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, उस तरीके से आपके कर्व हो जाएंगे, हाफ सर्कल हो जाएंगे एंड फुल सर्कल हो जाएगा। डन।